Hey guys, आज है संडे और एक और बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री के कुछ नए अपडेट्स लेकर। और गाइस, आज के अपडेट्स कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो और ऐसे ही वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ गाइस, हमने यहां पर टारगेट सेट किया है कि इस महीने के एंड तक हमें 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। हालांकि दोस्तों, यहां पर टाइम बहुत कम है और गैप बहुत ज्यादा है, अभी हम 11,500 पर हैं। लेकिन गाइस, अगर आप सभी सपोर्ट मिलेगा और आप सभी लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम ये टारगेट जल्द से जल्द अचीव कर लेंगे। तो गाइस, यहां पर वीडियोस की रिस्पांसिबिलिटी मैं लेता हूं, आपकी जो भी क्वेरीज है उनको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको 20K सब्सक्राइबर्स इस महीने के एंड तक कंप्लीट करवाने हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आगे जाकर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अब फाइनली इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जो पहला अपडेट है वो निकल कर आता है व्यू की तरफ से। तो गाइस, अगर आप कोई नई स्मार्ट टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो फाइनली यहां पर आप सभी के लिए गुड न्यूज है। व्यू ने यहां पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भाई हम 10th जून को अपनी नई 4K सीरीज की स्मार्ट टीवीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। और गाइस, मेरी सजेशन ये है कि अगर आप कोई 43 इंच, 50 या फिर 55 इंच स्मार्ट टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि आपको थोड़े से बेटर ऑप्शन मिल जाए। और इसी के साथ दोस्तों, ये जो स्मार्ट टीवी है ये 10th जून को लॉन्च होने वाली है। और रही बात स्पेसिफिकेशन की, तो जैसे आप को पता है व्यू जो है उतना ज्यादा टीवी को टीज नहीं करता है, वो डायरेक्टली टीवीज को लॉन्च कर देता है। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कोई भी आइडिया मिलेगा मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर आपको अपडेट दे दूंगा। और रही बात की प्राइसिंग कितनी होने वाली है, तो गाइस मेरे हिसाब से इस टीवी की प्राइसिंग व्यू की प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी से थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो अपकमिंग स्मार्ट टीवीज है ये व्यू की सिनेमा स्मार्ट टीवी की जगह लेने वाली है। जैसे आप सभी को पता है, व्यू सिनेमा स्मार्ट टीवीज लॉन्च हुई, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गई और अभी तक वो स्मार्ट टीवीज आउट ऑफ स्टॉक चल रही है और अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर नहीं आई है। तो मुझे जहां तक लग रहा है, ये जो अपकमिंग स्मार्ट टीवीज है ये व्यू सिनेमा स्मार्ट टीवीज की जगह लेने वाली है। बाय द वे दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या आप इस अपकमिंग स्मार्ट टीवी में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, कमेंट में लिख के मुझे अभी बताओ। सो दोस्तों, आप जो नेक्स्ट अपडेट है वो निकल कर आता है TCL की तरफ से। तो भाई, यहाँ पर TCL ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 18 जून को हम इंडियन मार्केट में अपनी एक नई स्मार्ट टीवी को लॉन्च करने वाले हैं। और गाइस, ये स्मार्ट टीवी 8K रेजोल्यूशन के साथ आने वाली है। यहाँ पर आपको क्यूलेट पैनल देखने मिलने वाले हैं, डॉल्बी विजन, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने एक इमेज को भी टीज किया है, जिसके थ्रू ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है कि इस टीवी में आपको एक पॉपअप कैमरा या फिर इनबिल्ट कैमरा देखने मिल सकता है TCL की इस अपकमिंग स्मार्ट टीवी को लेकर। हालांकि दोस्तों, इस बात पर भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। हो सकता है आपको मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। बाय द वे दोस्तों, अगर बात करें टीवी की प्राइसिंग की, तो जैसे आप सभी को पता है 8K रेजोल्यूशन के साथ आती है, क्यूलेट पैनल का सपोर्ट मिलता है, तो इसकी प्राइसिंग 80,000, 90,000 या फिर 1,00,000 के पार भी हो सकती है। अब ये टीवी की जो स्पेसिफिकेशन है, प्राइसिंग है, पता चलेंगी जब ये टीवीज लॉन्च होगी। और जब टीवी लॉन्च होगी तो मेरी वीडियो आपको डिटेल इस टॉपिक पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपडेट तो मैं दे दूंगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो के निकल कर आता है दाइवा के नए स्मार्ट टीवीज को लेकर। तो गाइस, बेसिकली आपने दाइवा का नाम सुना होगा, ये बेसिकली एक स्मार्ट टीवी कंपनी जो कि इंडिया में ही स्मार्ट टीवीज को मैन्युफैक्चर करती है। और इन्होंने अभी अपने 2 नए स्मार्ट टीवीज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 43 इंच स्क्रीन साइज के साथ में आते हैं। दोनों टीवीज की जो स्क्रीन साइज है वो सेम है, उसमें से एक फुल HD वेरिएंट है और एक 4K वेरिएंट है। फुल HD वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपीज और 4K वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपीज। दोनों टीवी जो है एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ड है, सभी लेटेस्ट ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। और जैसे आप सभी को पता है गाइस, दाइवा के टीवीज में आपको कुछ यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहां पर आपको जो रिमोट मिलता है टीवी का, उसके बैक साइड में आपको फिजिकल कीबोर्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आपका बहुत ज्यादा काम जो है आसान हो जाता है। और इसी के साथ में यहां पर आपको क्लाउड टीवी का भी सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि दोस्तों, यहां पर कुछ यूनिक फीचर्स दिए गए, लेकिन कुछ मेन फीचर्स यहां पर मिसिंग है। बाय द वे दोस्तों, इस टीवी के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और वेबसाइट का URL है www.techstart4u.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट कर जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है, तो गाइज हमने अपनी वेबसाइट को एक ऐप में कन्वर्ट कर दिया है। जी हां गाइज, अब आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है TechStart Tech News ऐप। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और ये गाइस, ये जेन्युइन ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। और इस ऐप में आपको स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री के सभी डेली अपडेट्स मिल जाते हैं। तो जाओ इस ऐप को डाउनलोड करो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आता है एक नए टेक्नोलॉजी को लेकर। तो गाइस, यहां पर क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ रिसर्चर्स ने
ह्यूमन हेयर को यूज करके फ्लेक्सिबल क्यूलिड पैनल डेवलप किया है। और गाइस जैसे कि यहां पर आप इमेज देख सकते हो, फिलहाल तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये स्मॉल स्केल पर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन गाइस फ्यूचर में हो सकता है कि आपके घर पे जो टीवी लगी हो उसमें भी आपको यही टेक्नोलॉजी देखने मिले। काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है गाइस, ह्यूमन हेयर को यूज करके डिस्प्ले पैनल यहां पर बनाया गया है। बेसिकली गाइस इन्होंने किसी बार्बर के शॉप से जो है हेयर को कलेक्ट किया, उसके बाद इन्होंने इसको कार्बन डॉट्स में कन्वर्ट किया बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट करके, उसके बाद उन्होंने अपना को एक्सपेरिमेंट किया और जो बहुत साइंटिफिक थिंग्स उन्होंने किए, उसके बाद उन्होंने एक फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले डिस्कवर किया है। और गाइस ये अभी फिलहाल स्मॉल स्केल पर बॉटल्स पर यूज होने वाला है, जहां पर आपको डिजिटल वे में देखने मिलेगा कि बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और बॉटल की एक्सपायरी डेट कब है। तो फिलहाल ये स्मॉल स्केल पर यूज होने वाला है, लेकिन फ्यूचर में आपको जो है फ्लेक्सिबल क्यूलिड पैनल्स देखने मिलने वाले हैं यूजिंग ह्यूमन हेयर। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, वेट करेंगे हम भी, जब ये स्मार्ट टीवी आएगी, जब ऐसे कुछ पैनल्स आएंगे तो हम भी इसके अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे, तब तक हम भी बहुत आगे पहुंच गए होंगे आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। अब दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो निकल आता है ओप्पो की नई स्मार्ट टीवी को लेकर। तो गाइस जैसा आप सभी को पता है, लास्ट ईयर से न्यूज़ आ रही थी कि भाई ओप्पो अपनी नई स्मार्ट टीवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, लेकिन गाइस अब जाके फाइनल ओप्पो की तरफ से क्लेरिफिकेशन आ चुकी है कि भाई हम भी अपने स्मार्ट टीवी पर काम कर रहे हैं और जल्द ही आपको मार्केट में ओप्पो ब्रांडेड टीवीज भी देखने मिलने वाले हैं। और जैसा आप सभी को पता है ओप्पो के छोटे बेटे रियलमी ने भी अपनी टीवीज को लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी मार्केट में, तो भाई ओप्पो कैसे पीछे रह सकता है। अब ओप्पो आ चुका है, रियलमी आ चुका है और ऑलरेडी वन प्लस मार्केट में है, तो भाई वीवो कैसे पीछे रहेगा। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको वीवो की भी टीवीज देखने मिले। बाय द वे दोस्तों, ये एक चाइनीज कंपनी और मैं किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको, लेना नहीं लेना वो आपका डिसीजन है, लेकिन यहां पर मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, मैं किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता। तो ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, नहीं तो आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। तो गाइस क्लियरली बोल रहा हूं, मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं यहां पर आपको अपडेट दे रहा हूं। तो गाइस ये थे सारे अपडेट्स जो कि पिछले वीक में हुए हैं स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री में। और इसी के साथ दोस्तों और एक एडिशनल अपडेट है, गूगल अपने एक नए स्मार्ट टीवी डिवाइस को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है गूगल सबरीना। बेसिकली गाइस ये एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स हो सकता है, अब इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जैसे मुझे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं अपने ऐप में डाल दूंगा या फिर अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। बाय द वे दोस्तों, हमारी जो ऐप और वेबसाइट है दोनों एक ही है, हमने अपनी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट किया है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको डेली अपडेट्स मिल पाएंगे। तो गाइस ये थे सारे अपडेट्स स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री के, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करना और इसी के साथ में वीडियो को लाइक कर देना। और रही बात गाइस हमारे टारगेट की, 20K का टारगेट थोड़ा ध्यान में रखना और उसे भी कंप्लीट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।